आज के शुरू को आरआरबी एनटीपीसी जो 11 जनवरी को पेपर हुआ था, आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले, तो इस वीडियो में क्या करूंगा उन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो प्रश्न आप लोगों के माध्यम से मुझे मिले इस वीडियो में क्या करूंगा उन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया, इसी विद्यालय में छात्रों का माध्य 32 तथा शिक्षकों का माध्य 76 यानी 76 है, दोनों का सम्मिलित रूप से माध्य कितना होगा। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है, यानी छात्रों और शिक्षकों का सम्मिलित रूप से माध्य क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना है कि इन दोनों को एड करके इसका आधा कर लिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या करिए, आप इन दोनों को एड कर लिए तो कितना, ये 76 है और ये 32 बटा कितना हो जाएगा 2। अब करना क्या आपको, इन दोनों को ऐड करिए, जब इन दोनों को ऐड करें कितना मिल जाएगा, 6 × 2 = 8 और ये 7 × 3 कितना हो गया 10 हो गया। अब 108 का क्या करना, आपको आधा करना है, कितना मिल जाएगा 54 मिलेगा यानी 54 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है, इसका आंसर कितना आ गया 54 आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 54 सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको ऐसे दोबारा क्वेश्चन मिले, आपको करना है कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए और करना है कि इसका आधा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक विषय में 32% छात्र फेल तथा दूसरे विषय में 42% फेल, दोनों विषय में 30% फेल, तो दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए, जबकि कुल छात्र की संख्या कितनी दी गई, 1500 दी गई। अब प्रश्न में ये कहा गया कि पहले सब्जेक्ट में कितना 32% फेल हो रहे हैं और सेकेंड वाले सब्जेक्ट में कितना 42% फेल हो रहे छात्र, और प्रश्न में ये कहा गया कि दोनों विषय मिलाकर कुल कितना फेल हो जा रहे हैं, 30% फेल हो जा रहे हैं। तो पूछा कि दोनों मिलाकर कुल कितने पास हुए, जबकि छात्रों की संख्या आपको दे दी गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। आपको करने के सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए पास लिख लीजिए और ये फेल लिख लीजिए। अगर हम लोग मान ले पहला सब्जेक्ट जो भी रहा होगा, ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट है, इसका पेपर जो भी रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। अब इसमें से कितने फेल हो जा रहे हैं, 32% फेल हो गए, कितने छात्र फेल हो जा रहे हैं, 32% फेल हो जा रहे हैं, तो पास हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 68 मिल जाएगा, लेकिन इसको लिखने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं। अब जो सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट में कितने फेल हो जा रहे हैं, 42% फेल हो जा रहे हैं, तो करिए क्या, आप यहाँ से 42% फेल आप लिखिए। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है कितने परसेंट पास हुए, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिये ये कहा है दोनों मिलाकर कितना फेल हो रहे हैं, 30% फेल हो रहे हैं। अगर यहाँ से दोनों सब्जेक्ट मिला दो तो मिलाकर कितना फेल हो जाएंगे, 74 यानी कितना फेल हुए, 74% फेल हुए दोनों मिलाकर। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि दोनों मिलाकर कितना फेल हो जा रहा है, 30% फेल हो जा रहा है। तो शुद्ध रूप से पता करने के लिए फेल आपको करना है कि इस फेल को इस फेल में से घटा लीजिए, इस फेल को इस फेल में से घटा लीजिए, ताकि हमको शुद्ध रूप से पता चल जाए कि कितने फेल हुए। अब इसको यहां से घटा लेंगे तो कितना मिलेगी, इसको यहां से घटा लेंगे कितना मिलेगा, 44 मिल जाएगा। कितने परसेंट फेल हो गए, 44% फेल हो गए। अगर दोनों सब्जेक्ट मिला दिए तो वो अपने आप ही 100% हो जाएगा। अगर उसमें से 44% फेल हो गए तो पास कितना हुए, तो पास कितना हुए, पास 56% क्या हो गए, पास हुए। दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हो गए, 56% पास हो गए। और देखिए क्या गए, कुल छात्रों की संख्या कितने, 1500। आपको करना क्या, प्रतिशत में कितने परसेंट पास है, 56% पास है, और आपको क्या बताना, संख्या में बताना। तो इसका क्या करे, 56% निकाल लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो हम लोग क्या करें, 1500 का 56% निकाल रहे हैं, 1500 का 56% हम लोग निकाल रहे हैं, बड़ा कितना हो गया 100। देखिए 00 से इसका 00 कट गया, अब इसका बुरा कर लिया कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 90 के 0 हो गया, और ये 15 × 5 = 75, 75 में अगर 99 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 84 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 84 मिलेगा, यानी आप बता सकते कितने छात्र पास हो गए, 840 छात्र पास हो गए। कितने छात्र पास हो गए, 840 छात्र पास हो गए। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा, 840। ठीक है, आप यहां से कोई ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन में कोई करेक्शन कर लीजिए, मुझे ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो, ठीक है, ऑप्शन क्या करिए, आप करेक्शन कर लीजिए। तो डी ऑप्शन का क्या जाएगा, सही है, इसको हम 840 बना ले रहे हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है, इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई, तो इसका क्रय मूल्य क्या है होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने ट्रिक मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बताया था। ठीक है, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और इनके क्या है जो रेट है वो भी क्या, यानी लाभ और हानि ये दोनों समान हो, लाभ और हानि दोनों समान हो और दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, तो ऐसे व्यापार में क्या होता, हमेशा हानि होती, ऐसे व्यापार में क्या होता, हमेशा हानि होती, और हानि किसके बराबर होती है, ये चीज मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में बता रखा, R²/100 के बराबर हानि होती है। अब देखिए आर का मान आपको दिया गया यहां से कितना, ये 20%, आर का मान कितना दिया गया 20%, अगर आप क्या करें 20 का स्क्वायर करें तो कितना मिल जाएगा, 400 मिलेगा, ये आप क्या कर सकते हैं 20×20 भी आप लिख सकते हैं, बटा कितना गया 100, ये 00 से 00 कट गया, यानी उससे कितने परसेंट की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है, और रुपए में कितने रुपए की हानि हो रही है, 18 रुपए की हानि हो रही है, रुपए में 18 रुपए की हानि हो रही है लेकिन प्रतिशत में कितना, 4% की, तो कह सकते इसके बराबर हो क्या, आपको करना क्या इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से क्या करिए गुणा करिए, तो आपको क्या पता चलेगा, वस्तु का यानी साइकिल का क्रय मूल्य आपको पता चलेगा। अब इसका काट दे, इसको काट दे, कितनी बार में कट जाएगी, 25 बार। अब करना क्या, आप इसमें गुणा करिए तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 200, और 25 से कम 25 और 20 हासिल बच गया कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, 450 रुपये, यानी साइकिल का क्रय मूल्य कितना, 450 रुपये, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, फोर देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए 10%, आप इसे वार्षिक कर लिए, ठीक है, ए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार लेता है, और बी 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है, जो ए क्या कर रहा है, कुछ धन ले रहा है लेकिन किस पे ले रहा है, साधारण ब्याज पर ले रहा है, 10% के हिसाब से ले रहा, और जो बी है 5% कुछ धन ले रहा है 5% के हिसाब से, लेकिन किस पर ब्याज ले रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहा है, उधार ले रहा है, तो एक वर्ष में दोनों द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा है, दोनों के ब्याज का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट पे लिख लें, ठीक है, यानी चाहे साधारण ब्याज की बात कर रही है या चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रही है, ठीक है, चाहे साधारण ब्याज की बात करें या चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, दोनों का ब्याज क्या होगा, पहले वर्ष में समान होगा, दोनों का पहले वर्ष में ब्याज क्या होगा, समान होगा, तो पहले वाले के अगर देखा जाए साधारण ब्याज पे इतना ब्याज बनेगा और इस पे देखा कितना, 5% का ब्याज बनेगा। अब करना क्या आपको, अगर दोनों के ब्याज समान हो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं, आप करिए क्या सिर्फ इन दोनों के बीच में क्या करिए, आप अनुपात कर दीजिए, आपको करने के जो रेट दी गई है इन्हीं के बीच में क्या करिए, आप अनुपात आप लगा दें, आपको क्या आ जाएगा, यानी ब्याजों का अनुपात आपको पता चल जाएगा कि यहां से काट दो कितनी, 2 बार में कट जाएगा और ये कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा, यानी आप बता सकते कि उनके ब्याजों का अनुपात कितना होगा, 2:1, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, A, B और C की वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, यानी 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। सबसे पहले ये देखिए क्या दिया, तीनों की वर्तमान आयु का ये क्या दिया, औसत दिया गया, तीनों की वर्तमान आयु का औसत दिया गया। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एवरेज चैप्टर मैंने वो कंप्लीट पढ़ा दिया, एवरेज चैप्टर मैंने वो कंप्लीट पढ़ा दिया, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या दिए, एबीसी का ये क्या दिया, एवरेज दिया गया, अगर ये औसत दिया गया तो तीनों का योग पता करने के लिए, एबीसी तीनों का योग पता करने के लिए क्या करें, आप इसमें 3 से गुणा करें, अगर ये 3 है तो 3 से इसमें गुणा करें कितना मिल जाएगा, 66 वर्ष मिलेगा, यानी तीनों की अगर आयु का योग किया जाए तो कितना मिल जाएगा, 66 वर्ष मिलेगा। फिर क्या कहा गया, बी और सी की वर्तमान आयु का औसत कितना दिया गया, 25 दिया गया, तो आप यहां से कर लीजिए बी प्लस सी की वर्तमान औसत आयु कितनी दी गई है, 25 वर्ष दी गई। अगर दोनों की आयु का योग पता करना हो, दोनों की आयु का योग पता करना, तो आप इसमें क्या करिए, 2 से गुणा करिए,
कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्या करना है कि आप यहां से घटा लीजिए, अगर आप इसको यहां से घटाएंगे, ठीक है, यहां से आप घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा, यहां से घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 16 वर्ष मिल जाएगा। यानी किसकी आयु पता चली हमको, एक ही आयु पता चली, किसकी आयु पता चली, जब इसको घटाएंगे ये सब आपस में कटिए तो बचेगा कौन, ए वाला। यानी ए की वर्तमान आयु कितना है, ये 16 वर्ष। आप यहाँ पे क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, ये हमारा ए रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। और हमसे पूछा कि 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी, ठीक है, 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी। तो आप देखिए हमको ए की वर्तमान आयु पता चली, ए इसमें कितने वर्ष का है, ए इसमें कितने वर्ष का, 16 वर्ष। और पूछा कितने, 9 वर्ष बाद पूछा, तो करिए कि आप इसमें 9 आप ऐड कर लिए। अगर इसकी वर्तमान आयु पता चली तो 9 वर्ष की बाद की आयु पता करने के लिए इसमें क्या करिए, आप 9 आप जोड़ लीजिए, कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि ए जो है 9 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा। आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा। क्वेश्चन आप करेक्शन यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए कौन सा उसमें मैच करा, 25 वर्ष, सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, देखा जाए इसमें क्या दिया गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है, चौड़ाई हमसे पूछा गया। तो हमको ये पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम एल से इंडिकेट कर दे रहे हैं और चौड़ाई को हम बी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब देखिए इसका मान दिया गया कितना, ये 50 दिया गया, आप यहां से 50 आप, और क्या पता है, लंबाई पता है, लंबाई का मान कितना है, ये 10 है, और हमसे पूछा क्या, चौड़ाई पूछा है। ये देखिए 0 से 0 कट गया तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी चौड़ाई हमको कितना पता चल गई, 5 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो c ऑप्शन किसका मैच कर रहा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक छात्र किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करता है परंतु वह 15 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन वह 38% अंक प्राप्त करता है तब वह पास होने से 25 नंबर अधिक लाता है, तो पास होने का प्रतिशत कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। वैसे आप यहां से ये कर लिए, जबकि दूसरे छात्र ने, आप यहां से ये लाइन लिख लीजिए, जबकि दूसरे छात्र ने 38% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से कितना नंबर ज्यादा लाए, 25 नंबर अधिक लाए। तो पूछा क्या प्रश्न हमसे, पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में बता रखा है, ठीक है। हम लोग करेंगे दोनों को क्या कर दे, पास बना ले, ठीक है, हम लोग क्या कर दे रहे, पास बना रहे, ठीक है। जो पहला वाला छात्र करके रहे पूरे पूर्णांक का इतना प्रतिशत अंक प्राप्त किया और कितने नंबर से फेल हो गए, 15 नंबर से फेल हो गए। अब इसको करूं क्या, पास बना दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको 15 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जबकि सेकंड वाला क्या कर रहा है, पूरे पूर्णांक का इतना प्रतिशत ला रहा है और पास होने की न्यूनतम अंकों से इतना नंबर ज्यादा लाए। अगर मैं करूं कि इसका 25 नंबर इसमें से क्या कर दूं, घटा दूं, तो ये सिर्फ क्या रहेगा, पास रहेगा। हम लोग क्या करें, सिर्फ पास बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले क्या कर दे रहे हैं, 33% यहाँ पे लिख दे रहे हैं और ये जितने नंबर से फेल हो जा रहा है इसको हम लोग क्या कर दे, 15 नंबर दे रहे हैं। अगर इसको 15 नंबर दे देते ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब ये क्या है, पास है, 15 नंबर मैंने इससे क्या कर दिया, दे दिया। अब जो सेकंड वाला ये क्या कर रहा है, पूरे पूर्णांक का 38% अंक प्राप्त कर और पास होने की न्यूनतम अंकों से इतना नंबर ज्यादा ला, तो इसका करो कि जो 25 नंबर ज्यादा ला रहा है इसको क्या कर दो, घटा दो, तो ये सिर्फ क्या रहेगा, पास रहेगा। अब ये सिर्फ क्या रहेगा, पास रहेगा, ठीक है। देखिए मैंने इसमें क्या किया, दोनों को बस पास बना लिया, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, ये भी पास है और ये भी पास, दोनों बराबर। अब प्रतिशत प्रतिशत एक साइड चले जाएंगे, ये चला जाएगा इधर जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो इसका क्या साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5%। और ये इधर रहेगा दूसरे पक्ष में, इसके साथ क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, 40 मिल जाएगा। अब देखिए 5% बराबर कितना, 40 अंक है। अगर आप इससे इसमें भाग दे देंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा। तो जो भी परीक्षा हुई होगी वो अपने आप में 100% रहेगी। अगर ये 1% का मान इतना है तो 100% मान पता करने के लिए इसमें क्या करें, 100 से गुणा करें, इसको डिवाइड कर दीजिए 8 बार में कट गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए तो कितना मिल जाएगा, 800 मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, पेपर कितने नंबर का हुआ था, 800 नंबर का हुआ था। लेकिन प्रश्न में क्या पूछे, पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, ठीक है,
चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको ले, किसी को ले सकते हैं, ठीक है हम लोग इसको ले रहे हैं। ये तो 33% है, ये जो 33% है, और हम लोग इससे क्या करें, जो 15 अंक है इससे क्या करें प्रतिशत में कन्वर्ट करें, ठीक है जो 15 अंक है इससे क्या करें प्रतिशत में कन्वर्ट करें, और हमको टोटल गुणांक पता है तो हम इससे क्या करें प्रतिशत में कन्वर्ट करें। तो आप इसको यहां से कर लिए, 15 बटा कितना हो जाएगी, टोटल गुणांक कितना है 100, और बटा कितना हो गया सॉरी इंटू 100 हो गया। ये देखिए 00 से 00 कट गया, अब इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में कट जाएगा, 8 कम 8 हो गया, 10 * 8 = 56, ये 8 9 72 इतनी बार में कटेगा। करिए कि आप इसमें जोड़िए, यानी इसके बराबर प्रतिशत में देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, इतना मिलेगा। आप यहां से कर लिए, आप यहां से लिख लें प्रतिशत सॉरी +1.79%। अब इन दोनों को ऐड कर लिए, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 34.79%, यानी पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, इतना प्रतिशत चाहिए। पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, 34.79% चाहिए, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन किसका मैच है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ऐड देखा जाए इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया और पूछा क्या कि माध्यिकाएं ज्ञात करें। माध्यिकाएं ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आंकड़े दिए गए इसे हम लोग क्या करते हैं आरोही क्रम में लिखते हैं। जो आंकड़े दिए गए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़े को आरोही क्रम में लिखते हैं। अब ये देखिए ये आरोही क्रम में आपको दिख रहा है, ये आरोही क्रम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी बढ़ते क्रम में आपको दिख रहा है। आपको करना क्या, माध्यिका निकालने के लिए देखिए 7 संख्या है ना, तो 3 आप इधर से छोड़ दीजिए और 3 आप इधर से छोड़ दीजिए, तो इनकी माध्यिका कितनी आ जाएगी 11, इनकी माध्यिका कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर है, इसका आंसर कितना आ गया 11 आ गया, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना आपको, जो आंकड़े दिए गए इसे क्या करना आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद आपको करिए 3 इधर से छोड़ दीजिए और 3 इधर से छोड़ दीजिए, इसके बाद जो बच जाएगा बीच वो आपको क्या जाएगा माध्यिका आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन 10 देखा जाए इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो इस तरह से लिखा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/2 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 - 1/3 लिख सकते हैं, और इसे क्या कर सकते हैं ब्रैकेट में 1 - 1/4 कर लीजिए। अब इस तरह से ये डॉट 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 लास्ट वाला क्या टर्म मिलेगा 1 - 1/3। अब क्या करना है कि आप इसको यहां से इसमें गुणा करिए, कितना 2 * 1 = 2 हो गया, अगर 2 में से घटाएं कितना मिलेगा आपको 1/2 मिलेगा। इसको भी हम सॉल्व करें, इसको करेंगे 3 * 3, अगर 3 में से 1 घटाएं कितना मिल जाएगा 2/3 मिलेगा, इतना क्लियर है। इसको करें कितना 4 * 4 हो गया, अगर घटाएंगे कितना 3/4 मिलेगा। इस तरह से आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है, आगे भी इस तरह से ये मिलता रहेगा। अब ये इस तरह से डाटा डाटा करते करते लास्ट वाला क्या आ जाएगा, ये 10 * 10 हो गया, अगर ये घटाएं कितना 9 मिल गया, 9/ कितना हो गया 10। अब ये वाला टर्म देखिए, ये आपस में इस तरह से कटते चले जाएंगे, ये सब इस तरह से कटते चले जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या सिर्फ, यानी ये वाला बच जाएगा और ये अंतिम वाला बच जाएगा जो बटा वाला दिया गया, तो कितना मिल जाएगा 1/10 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर है, इसका आंसर कितना आ गया 1/10, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, 11 देखा जाए इसमें क्या दिया गया। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया, 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया, कितना ये 90 है, तो तीसरी संख्या आपसे पूछी गई। अगर हम लोग मान लें सबसे छोटी संख्या कितना है x, फिर इससे अगली संख्या इससे बड़ी वाली संख्या कितना जाएगी, इन अगली संख्या कितना जाएगी x+1 आ जाएगी, फिर इससे अगली संख्या कौन सी आ जाएगी x+2 आ जाएगी, फिर अगली संख्या कितना जाएगी x+3 आ गई, और संख्या कितनी 5 संख्या, कितनी संख्या 4 संख्या हुई, तो अगली संख्या क्या मिल जाएगी x+4 मिल जाएगी। अब देखिए 5 संख्याएं होगी, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना मिला 90 मिला, किसके बराबर मिलेगा 90 के बराबर मिलेगा। अब करिए कि आप जो एक्स एक्स वाला दिख रहा है इनको एक साथ ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कितना मिल जाएगी 5x मिलेगा, इतना क्लियर है। अभी देखिए कितने जो अंक वाला कितना मिलेगा 2 2 1 3 हो गया, 3 3 6 4 10 कितना मिल जाएगा 10, और 10 जाके इधर घट जाएगा 90 में से, अगर 90 में से 10 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 80। अब इसको यहां से डिवाइड कर दो तो एक्स बराबर कितना आ गया 16, एक्स बराबर कितना आ गया 16 आ गया। और प्रश्न में पूछा कि तीसरी संख्या पूछिए, तो तीसरी संख्या देखिए यही तो है, तीसरी संख्या ये है ना,
तो करिए कि एक्स का मान कितना 16 है, अगर आप 16 में 2 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 18 मिलेगा, यानी आप बता सकते हैं कि तीसरी संख्या कितनी है 18 है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 18, ठीक है। ऑप्शन देखिए कोई यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप किसी में करेक्शन कर लिए, आप इसको 18 कर लिए, ऑप्शन में आप करेक्शन कर लिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्वेश्चन में क्या गया, तीसरी संख्या पूछा गया। अगर ये क्या कहते हैं पहली संख्या पूछते तो हमारा यही आंसर है 16, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है तीसरी संख्या, यानी ये देखिए x का मान कितना 16 है, 16 में जोड़ 17 हो गया, दूसरी संख्या 17 हो गई, और ये वाली कितना हो जाएगी 16 दो कितना हो जाएगी 18 हो जाएगी, तो तीसरी संख्या वो कितना मिल जाएगी 18 मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन में आप करेक्शन कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, प्रश्न में 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस कर्डे में 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ये करने के सबसे पहले क्या करें, थीटा का मान क्या रखा जाए कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे 0 के बराबर मिल जाए, ठीक है। थीटा का मान क्या रखा जाए कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे 0 मिल जाए। अगर हम लोग मान लें थीटा बराबर कितना मान लें 60 डिग्री, थीटा बराबर हम लोग कितना मान लें 60 डिग्री मान लें, अगर यहाँ पे 60 हो गया हम लोगों ने मान लिया, तो साइन 60 का मान कितना होता है, अगर हम इसको मान रखे चेक करते हैं कि हमारा 0 के बराबर मिला क्या, थीटा का मान कितना 60 रखे चेक करें क्या हमको 0 के बराबर मिला क्या, अगर बराबर मिलेगा तो हम क्या करें इसमें रख के तब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से करेंगे साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है कर्णी में 3/2। अब यहां से देखिए ये आप यहां से माइनस आप लिखिए, कॉस 60 का मान कितना होता है कर्णी में, सॉरी कॉस 60 का मान कितना 1/2 होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, सबसे पहले ये दिया है आप इसे लिखिए, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब देखिए ये और ये दोनों सेम चीज है, जब ये घटाएंगे तो आपको किसके 0 के बराबर मिलेगा, जब इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आपको मिलेगा, यानी 0 के बराबर आपको मिलेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमको थीटा का मान पता चले कितना है 60 डिग्री, अगर थीटा का मान पता चले तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसमें रख के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या थीटा का मान कितना 60 है और साइन 60 का मान कितना होता है कर्णी में 3/2 होता है, आप यहां से कर लिए कर्णी में 3/2, और इसका क्या करें आप स्क्वायर, तो आप यहां से स्क्वायर आप कर लिए, माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, आप यहां से कर लिए 1/2 का क्या करें आप स्क्वायर कर लिए। अब देखिए करना है अगर आप इसे प्रसार करेंगे ऊपर 3 मिल गया और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना ऊपर 1 हो गया और नीचे कितना 4 हो गया, अब दोनों के हर समान है तो अंश वाले डायरेक्ट आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो ऊपर 2 हो गया और नीचे कितना 4 है, इसको यहां से काट दो कितनी एक बार में कटेगा और ये 2 से 2 बार में कटेगा, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, यानी आप बता सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान किसके बराबर है 1/2 के बराबर, इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान किसके बराबर है 1/2 के बराबर होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है तो इसका ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% छूट पर खरीदता है 8% छूट पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए, ठीक है। तो क्या पूछा प्रश्न, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें आप ऑप्शन में यहाँ पे देखिए गलत टाइप हुआ, ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए गलत टाइप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले सभी ऑप्शन क्या रहेंगे, प्रतिशत में रहेंगे, ठीक है। अगर हम लोग मान लें उस वस्तु का एमआरपी प्राइस कितना है, उस वस्तु का एमआरपी प्राइस कितना है, ये 100 रुपया है, उस वस्तु का एमआरपी प्राइस कितना 100 रुपया है, कोई दुकानदार करके आ रही है 80% की छूट पर खरीद रहा है, प्राइस इसका एमआरपी प्राइस इतना है, अगर ये 20% की छूट पर खरीद रहा है तो दुकानदार उसे कितने में खरीदेगा, ये 80 रुपए में खरीदेगा, 20% छूट के साथ ये खरीद रहा है तो कितने रुपए में क्रय करेगा, ये 80 रुपए में क्रय करेगा। अब क्या कहा गया, 8% छूट पर बेचता है, यानी क्या करे उस वस्तु को प्राइस इतना दिया गया, अब इसको क्या करे 8% कम करके और इसे क्या कर दे रहा, बेच रहा है वस्तु को, ये क्या कर रही है 8% यानी छूट देकर क्या कर रहा है, ये बेच दे रहा है 100% इसका एमआरपी कितना इतना है, अगर 8% छूट पर बेच रहा है तो बेचेगा कितना, ये 92 रुपए में बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा 92 रुपए में बेचेगा। अब देखिए खरीदा कितने 80 रुपए में और बेच रहा कितने में 92 रुपए में, अगर ये देखा जाए तो उसके रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है 12 रुपए का लाभ हो रहा है, और इसी को क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है,
तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या था, लाभ बटे क्रय मूल्य, खरीदा कितने में 80 रुपए, 80 और बटा के इंटू क्या हो जाएगा प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से पूरा करें। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू क्या होता है 100। अब ये 0 से इसका ये कट गया, 4 से ये भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 4 × 3 = 12 हो गए और ये 4 × 2 = 8, इसको यहां से डिवाइड कर दू 5 बार में कट गया, तो इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा 5 × 3 = 15, यानी उससे कितने परसेंट का लाभ हो गया 15% का लाभ। दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होगा 15% का लाभ होगा। ठीक है, आप यहां से देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका ऑप्शन क्या है, गलत टाइप हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। बस रहने दे रहे, मुझे आप लोगों के माध्यम से इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए जिन्हें मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, बस रहने दे रहे,